हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इस बढ़िया सी चटपटी मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं का मैंने छिलका उतार लिया है। अब ग्रेटर की हेल्प से हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन आलू के हमें बिल्कुल बड़े टुकड़े नहीं रखना है, तो इसलिए मैं ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो इस तरह से हम सारे आलूओं को ग्रेट करेंगे। तो सारे आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आधा कप ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे डो की तरह रेडी कर लेंगे। आलू खाना तो वैसे भी सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन आज जो मैं नाश्ता बना रही हूँ, जब आप अपने घर पर ये नाश्ता बनाकर खिलाएंगे तो ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा, तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखें। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मसल मसल कर डो की तरह तैयार कर लिया है। तो डो तैयार हो गया है, अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब मैंने ये एक अलग प्लेट ली है, इसमें हम आधा कप नारियल का बूरा डालेंगे। नारियल का बूरा आपको किराना स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर कम क्वांटिटी में इस रेसिपी को बनाना बता रही हूँ। अगर आप इस नाश्ते को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। तो देखिए, मैंने इस साइज का पोर्शन लिया है। अब इसे हम इस तरह से गोल करते हुए इसकी हम पूड़ी टाइप की बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। तो इस साइज की मैंने पूड़ी बना ली है। अब इस पर हम नारियल के बूरे को रखेंगे। एक एक चम्मच के समथिंग हम इसका यूज करेंगे और अब इसे फोल्ड करते हुए और अब इसे हम बंद कर देंगे और इसकी हम बॉल बना लेंगे गोल करते हुए। इसे सभी तरफ से अच्छे से बंद कर दें, नहीं तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगे और पूरे तेल में नारियल का बूरा बिखर जाएगा, तो इसलिए इसे पहले अच्छे से पैक करें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरी तरह से रेडी कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी की बची हुई नाश्ते को रेडी कर लेंगे। तो सारी बॉल्स बनाकर मैंने रेडी कर ली है। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल भी गर्म हो गया है। अब हमने जो आलू की बॉल बनाई है उसे हम तेल में डालेंगे।
गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो करते हुए इन बॉल्स को सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। धीरे धीरे हम इन्हें पलटेंगे। आलू से बनाइए नाश्ता, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, तो एक बार जरूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी बॉल्स को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई बॉल्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई चटपटी मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।